हेलो दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको केशिंग तैयार किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से इसमें मिट्टी, गोबर और रेत का मिश्रण किया जाता है। तो इसमें हर लेयर में अलग अलग पार्ट्स में डालना पड़ता है मिट्टी और गोबर और रेत। इस तरीके से इसका पहले गोबर, फिर मिट्टी, फिर रेत, इस तरीके से इसमें कन्वर्ट करके इसको मिक्स करना पड़ता है, जिस जो कि इस तरह है। मैं दीपक कैंतुरा, विकास पंचिनियारी, शोड़ उत्तरकाशी। और इस तरीके से हम इसको मिक्स करके इसके बाद फॉर्मलिन ट्रीट करके इसको एकदम बिल्कुल हल्का, इतना हैवी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल हल्की सी होनी चाहिए मिट्टी केसिंग के लिए, क्योंकि इसमें फ्रूट आने में आसानी हो जाती है। जय माँ रेणुका मशरूम फार्म, श्रीकूट, उत्तरकाशी, चिन्यारी शोड़, उत्तराखंड। आप भाई साहब ने काम कर चुके हैं और केसिंग कर दिया है, कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया। कितना काम किया आज? आज तो काफ़ी हुआ, काम काफ़ी हुआ। आज बैग भी सेट किए और केसिंग की तैयारी भी चल रही है, और आज लगभग लगभग 100 से 200 बैगों का। कितने दिन बाद रन अप करेगा ये? तो लगभग लगभग 12 दिन बाद इसकी फ्रूटिंग आएगी। 12 दिन बाद? हाँ, 12 से 14 दिन। आजकल टेम्परेचर डाउन है तो एक आध दिन थोड़ा बढ़ के लगता है इसमें। मिनिमम टेम्परेचर कितना चाहिए होगा? मिनिमम 16 डिग्री से 20 डिग्री तक। हाँ जी। अच्छा।